गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 20 दैट इज़ अ वाटर पोल्यूशन फर्स्टली फिलिंग द ब्लैंक्स नेम अ केमिकल मेथड यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर दैट इज़ द क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द केमिकल मेथड क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द केमिकल मेथड यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर नेक्स्ट केम द एग्रीकल्चर वेस्ट में कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं दे कंटेन द पेस्टिसाइड्स एज वेल एज द फर्टिलाइजर्स नेम द डोमेस्टिक नेम द थिंग्स विच ग्रो इन द डोमेस्टिक वेस्ट विच यूज द लॉट ऑफ ऑक्सीजन एल्गे एंड द बैक्टीरिया वाटर विच इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग दैट इज द पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल वाटर इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग वन ऑफ द पर्पज फॉर द प्योरिफिकेशन इज द वाटर वाटर को हम प्योरीफाई क्यों करते हैं To remove the suspended impurities. To remove the suspended impurities, we purify the water. Now, came to the true and false. True and false में हमें बताना है कि इसमें true कौन सा true false कौन सा Bad taste of the water. Water में जो bad taste होता है वो किसे indicate करता है It indicates the presence of the pollutant. True. हमें जो भी wash करने चाहिए clothes, river में करने चाहिए false. Potable water, waterborne diseases का था waterborne diseases means the diseases which are caused by the water. False. We should always wash and clean our vehicles with the tap water using a pipe. False. Waste water produced by the industrial unit must be treated before it is discharged into river. True. हमें वेस्ट वाटर को क्या करना चाहिए ट्रीट करना चाहिए कि वो रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले नेक्स्ट केम द डोमेस्टिक वेस्ट रिलेटेड इनटू रिलीज्ड इनटू द रिवर कॉजेज द ग्रोथ ऑफ एल्गा एल्गा की ग्रोथ होती वाटर विच इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग इज द पोर्टेबल वाटर वन ऑफ द मेथड दैट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल जर्म्स इन वाटर इज क्लोरिनेशन बाय द हेल्प ऑफ क्लोरिनेशन वी कैन डिस्ट्रॉय और किल द हार्मफुल जर्म्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच आर हैवियर बाय एडिंग द एलम In chapter reading, we have discussed that in alum, by adding the alum in water, the process is known as the load. A method that help in the conservation of the water is half a flush. By the help of the half a flush, we can conserve the water. Now, answer the following question in the brief. State the two ways which lead to the contamination of the water. For this, came to the page number 359. For 359, come to the page number 359. The answer of the first D is from here. This part, one part, and next point is this. Okay? First two point is the answer of first D. Came to the next part. What is the meaning of the water pollutants? Came to the page number 349. Sorry. 364 water pollutant any foreign particle that pollute water second D name any two main diseases that are caused by drinking the contaminated water that is the jaundice and the diarrhea jo contaminated water se diseases hote hain name two chemical that may help in purifying the water to hume do chemical बताने हैं जो प्योरीफाई करते हैं वाटर को दैट इज द क्लोरीन टैबलेट एंड द एलम नेम द काइंड ऑफ ग्रोथ इन वाटर दैट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सी ग्रोथ होती है जिसके कारण ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है वाटर में फॉर दिस आंसर केम टू द पेज नंबर 360 में आपको आना है यहाँ पे दिस सी वेज से स्टार्ट होके एनिमल्स तक 5D answer. This is the answer of 5D. From this sewage to animal. Okay, complete answer 5D. Came to the next question E part. List the main parameter that needed to follow before the water is supplying for drinking purposes. For this came to the page number 360. Iske liye aapko answer mark karna hai from first point 1E. से स्टार्ट करके आपको कहाँ तक आना है केमिकल्स तक यू हैव टू कम टू केमिकल्स अप टू 1E दिस इज द आंसर ऑफ 1E 5.7 फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट लिखने हैं दिस इज द आंसर ऑफ
अलॉन्ग विद दिस आपको पहले ये लाइन भी मेंशन करनी है, इट ऑल्सो कम इन द फर्स्ट ई। तो आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉलो से स्टार्ट करके, ठीक है। तो आंसर है फॉलो से स्टार्ट करना है आपको, और फिफ्थ पॉइंट में केमिकल्स तक एंड करना है नेक्स्ट पेज पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट इन ब्रीफ वन फिजिकल एंड द केमिकल मेथड दैट इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। फॉर दिस आंसर केम टू द पेज नंबर 361। हमें एक फिजिकल बताना है, एक केमिकल मेथड बताना है। तो फिजिकल मेथड है फिल्टरेशन, पूरा लिखना है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू मेथड्स। एंड वन केमिकल मेथड, केमिकल मेथड देना है फ्रॉम क्लोरीनेशन टू स्पेसिफाइड, फ्रॉम क्लोरीनेशन टू स्पेसिफाइड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द मेजर दैट मस्ट बी फॉलोड टू चेक द वाटर पोल्यूशन बाय द सीवेज। इस आंसर के लिए आप आ जाए 362 पेज पे। फॉर द 362 पेज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट अप टू माइक्रोब्स, ये सारे का आंसर है थर्ड ई। फुल पॉइंट्स लिखने हैं आपको, तीनों के तीनों फुल पॉइंट्स लिखने हैं, ट्रीटमेंट से स्टार्ट करके माइक्रोब्स तक। होपफुली आपको पता लग गया होगा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम सिंपल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू हेल्प इन कंजर्विंग द वाटर। हमें सिंपल स्टेप्स बताने हैं जो हम डे टू डे लाइफ में चेंज करके वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर दिस आंसर केम टू 300 पेज नंबर 363, एंड दीज आर सम पॉइंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट अप टू फिफ्थ पॉइंट। तो सारे कंप्लीट पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। And this is our exercise of water pollution chapter. If you have any doubt regarding the exercise, you can ask me.